हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फायरबोल्ट टॉक टू वॉच में व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट करोगे। तो वैसे आप कोई भी फायरबोल्ट की वॉच में व्हाट्सएप मैसेजेस गेट कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको कैसे गेट करना है। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है इसको ऑफिशियल ऐप DAFIT। तो DAFIT ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। कोई भी फायरबोल्ट की वॉच का ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। वैसे फायरबोल्ट की वॉच का ऐप का नाम DAFIT ही है। तो इसको अब कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन के लिए अलाउ करना है। आप जैसे ही अलाउ करोगे, हाँ कनेक्टेड लिख के आ जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार ऐड डिवाइस करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी डिवाइस को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ वॉच फाइंड हो जाएगी। तो ऐसे आप अपनी वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। और अब आपको चेक करने की वॉच कनेक्ट हुई कि नहीं, आप तो आप फाइंड कर सकते हो वॉच को। तो यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अमेजिंग है कि आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि वॉच कनेक्टेड है। अब आपको नोटिफिकेशन एक्सेस में जाना है और आपको व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन एक्सेस देना है। पर सिर्फ व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन एक्सेस देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप स्टार्ट नहीं होगा। आपको उसके लिए सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है, और ऐप्स में जाके आपको ये वाला ऐप ढूंढना है जो DAFIT ऐप है। तो मैं ये ऐप को सर्च कर रहा हूँ अभी, DAFIT को। तो ये ऐप अब मेरे को मिल चुका है। तो अब इस ऐप में आपको जाना है नोटिफिकेशंस में, नोटिफिकेशंस को आपको अलाउ करना है। तो ये मेन फीचर है जो कि आपको वॉच से कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो अब मैं इस फ़ोन में व्हाट्सएप खोलूँगा। तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप खोल दिया है। अब मैं डालूँगा यहाँ हेलो। तो यहाँ मैंने हेलो का मैसेज डाला है। तो अब ये वाले फ़ोन में नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। अब आप देखोगे तो वॉच में मैसेज लिख के आ चुका है हेलो। तो यहाँ आपको मैसेज मिल जाता है हेलो, और यहाँ वॉच का और यहाँ व्हाट्सएप का लोगो भी आता है, और वॉच पे आपको मैसेज मिल जाएगा। और अगर आप इसको बैक कर दोगे और नोटिफिकेशंस में जाओगे नीचे, तो आपको पूरे मैसेजेस मिल जाते हैं हेलो। तो यहाँ से आप कोई भी मैसेज देख सकते हो। तो अब मैं आपको एक और चीज़ टेस्ट करके दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी मेन है, कि अगर आप यहाँ से कोई भी एमोजी भेजोगे तो वॉच में एमोजी आती है कि नहीं। तो आप देखोगे कि तो वॉच में एमो सिर्फ लिख के आएगा कि वॉच में एमोजी आई है, पर वॉच में एमोजी का कोई भी सिंबल नहीं आएगा। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि वॉच में एमोजीज नहीं आती। एमोजी सिर्फ लिख के आता है कि एमोजी आई है, वॉच एमोजीज को रीड नहीं करती। तो आप यहाँ कितना भी लंबा मैसेज भेज सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं थोड़ा सा लंबा एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए टाइप कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो यहाँ मैंने एक लंबा मैसेज टाइप किया सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसमें लंबे मैसेजेस भी देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग है। तो वॉच में आप मैसेजेस देख सकते हो व्हाट्सएप के। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।